ये अभी पता चला ये 50,000 के इनामी हैं। ये आवाज पुत्र लखमीरा है, पिछले 10 साल से वांटेड है। 302 SC/ST एक्ट में भी ये वांटेड है। इसके ऊपर लगभग 12-14 मुकदमे हैं और ये पिछले 10 साल से पुलिस के गिरफ्त से दूर है। इसका जो कौन कौन साथी और थे इस संबंध में भी जानकारी कर रहे हैं। आवाज पुत्र लखमीरा जो है और ये दतौली मुगल का रहने वाला, थाना फतेहपुर का है, कन्फर्म हो गया है। ये 2011 से ही वांटेड चल रहा है। क्या कुछ सर इसके पास से बरामद हुआ है? और मौके पर तीन असले मिले हैं। एक 32 बोर का फैक्ट्री मेड पिस्टल मिला है, एक 32 बोर का ये जो देसी पिस्टल मिला है कंट्री मेड टाइप का, और एक 315 बोर की कट्टे मिले हैं। क्या किसी घटना को अंजाम देने जा रहा था? यही इन्फॉर्मेशन था, कोई बड़ी घटना का प्लानिंग था इन लोगों का। तो तत्काल सूचना मिलते ही लोग पहुंच गए थे मौके पर। हमारे इसमें उद्देश्य गिरफ्तारी का था, बट तुरंत ही जो है फायर करने शुरू कर दिए हैं। इनके साथ और 2 से 3 लोग होने का संभावना है। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी मिली है जो बिना नंबर का, और कुछ प्लास्टिक कप्स में और कुछ भीड़ी का तमाम चीज़ें पड़ा मिला है वहाँ पर। काफ़ी जो मशक्कत के बाद गिरफ्तार करने की कोशिश की है। हमारे एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही भी घायल हुए हैं, उनको अभी इलाज चल रहा है। और आत्मरक्षात्मक फायर में दूसरे उसमें से एक बंदा घायल होकर गिर पड़ा है, उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। बाद में जिसका पहचान आवाज पुत्र लखमीरा के रूप में हुआ है, उन्हें मृत घोषित कर दिए गए हैं। उनके परिवार वालों को सूचित किया जा रहा है। इस 10 साल में और कहाँ कहाँ इन्होंने क्राइम किया है, और भी कोई जो इनके मदद करने वाले कौन है, ये वहाँ मौके पर और कौन कौन थे, ये इसके संबंध में मतलब कॉमी भी किया जा रहा, पता भी किया जा रहा। क्या किसी गैंग का लग रहा है सर? या किसी गैंग हो सकता है पिछले 10 साल में किसी बड़े गैंग में शामिल हो गया हो, यहाँ पे किसी बड़े घटना को अंजाम करने अंजाम देने आया, अन्य जगहों पर कहीं और इस तरह के? अभी तक जो भी फिलहाल ताज़ा घटना है, अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। फिलहाल जितनी जानकारी उतना ये है कि 50,000 के नाम।